और चलिए इसी बीच भोपाल से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर चुनाव आयोग पर भड़के हैं कांग्रेस नेता अरुण यादव। बुधनी नामांकन कक्ष में 7 लोगों के होने पर भड़के हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। क्या चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बना हुआ है? ये उनका बयान है। नियम के मुताबिक 5 लोगों की ही अनुमति है, क्या सत्ता और विपक्ष के लिए अलग अलग नियम है? तो आपको बता दें कि अरुण यादव चुनाव आयोग पर भड़क गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, भोपाल से आप तो खबर पहुंचा दें, जहां पर चुनाव आयोग पर भड़के हैं कांग्रेस नेता अरुण यादव। बुधनी नामांकन कक्ष में 7 लोगों के होने पर वो भड़के हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जान लेते हैं, यहां पर अरुण यादव कांग्रेस नेता जो है वो भड़क गए हैं, नामांकन कक्ष में 7 लोगों के होने पर वो भड़के हैं, क्या है पूरा मामला? हमने बुधनी उपचुनाव के लिए देखा कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको नामांकन अपना भरना था, नामांकन भरना, और नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। और नामांकन भरने के साथ उनके साथ अगर शीर्ष नेतृत्व की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, कृष्णा गौर और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी मीडिया सेल के जो अध्यक्ष आशीष अग्रवाल वो उपस्थित थे। देखिए, एक नियम कहता है कि चुनाव आयोग में जब कोई नामांकन की प्रक्रिया होती है तो उस समय कैंडिडेट के साथ 4 अन्य यानी टोटल 5 लोगों को ही अंदर जो वहां पर जो नामांकन का प्रभारी होता है उसके पास पहुंचना होता है। और देखिये जिस प्रकार से अरुण यादव ने ये पूरा ट्वीट किया और वीडियो वायरल किया है जिसमें बुधनी के नामांकन कक्ष में देखिए 7 लोगों के होने की उपस्थिति हुई है, तो इसको लेकर के वो साफ तौर पर कह रहे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है वो कहीं ना कहीं संदेह में है। साथ साथ वो गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी की कठपुतली जो है वो चुनाव आयोग बना हुआ है। जिस प्रकार से वहां पर तमाम जो लोग एकत्रित हुए और इस एकत्रण के बाद जब ये नामांकन होता है तो कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं पूरा सवाल है और इस सवाल को लेकर ये पूरी तमाम जो करार है वो हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात है जो अरुण यादव जो सवाल उठा रहे हैं उनका कहना है कि क्या सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अलग अलग नियम है। अगर दूसरे तरफ की बात की जाए तो जब कांग्रेस के जब लोगों ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया तो उस समय 5 लोगों को उपस्थित होने की बात वो कह रहे हैं, लेकिन अगर वही जिस प्रकार से कल बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में रमाकांत भार्गव ने जो नामांकन दाखिल किया है उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो 5 और 7 लोगों के बीच का जो अंतर है वो अब कहीं ना कहीं जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर चुनाव आयोग या अन्य जो तमाम जो लोग हैं उस पर किस प्रकार से आपत्ति उठाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर मामला संज्ञान में आता है। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हैं अरुण यादव, उन्होंने यहाँ पर चुनाव आयोग पर भड़क उठे हैं, वो यहाँ पर नामांकन कक्ष में 7 लोग मौजूद थे जिसको लेकर वो भड़के हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।